गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और ये दोपहर का समय है और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, छोटा सा व्लॉग है। यहाँ पर देखिए, मैंने मिट्टी ले लिया है बगीचे से और कुछ 9 o'clock के ना प्लांट हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा कट करके ना मैं इसमें लगाऊंगी, तो ये ढेर सारे फिर खिलने लगेंगे। तो जैसे जैसे जो भी मैं काम करती हूँ तो सोचती हूँ भले ही छोटा ही सा क्यों ना वो वीडियो है, लेकिन प्रेजेंट करूँ ताकि हम मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा नए गमले की ज़रूरत है। ये मेरा बहुत पुराना सेटअप है और इसको मैं ना यूज़ करती हूँ अपने गार्डनिंग में। तो यहाँ पर मैंने इसी में थोड़ा सा मिट्टी ले लिया और आज सवेरे सवेरे मौसम अच्छा था तो मैंने इसे लगा लिया। और साथ में ना गुलाब जब खिल जाते हैं तो उन डालियों को छांट देना चाहिए ताकि वहाँ से ना नए नए जो फ्लावर होते हैं फिर निकलेंगे, तो इसलिए मैं ये छांट रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत छोटा सा वीडियो है, आई होप कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो इस तरीके से प्लांट लगाना, पानी देना और साथ में ना कीड़े वाले पत्तों को छांटते रहना भी एक हमारा ड्यूटी होता है। तो जब कभी मैं फुर्सत में थोड़ा भी फुर्सत मुझे मिलता है तो मैं ना प्लांट के तरफ चली जाती हूँ और देख लेती हूँ और जहाँ लगता है जो करना है तो वो ज़रूर करती हूँ। और इस तरीके से देखिए, गुलाब की जो जितनी टहनियाँ हैं जहाँ से गुलाब के फूल खिल चुके थे उसको मैं छांट रही हूँ। और कुछ पत्तों पर ना तितलियाँ आती हैं तो वो पत्तियाँ खा जाते हैं, तो पूरा यहाँ देखते होंगे, तो उसको थोड़ा सा मैं ना छांट दूँगी, तो इस तरीके से वहाँ से नए नए फ्लावर होते चले जाएंगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये लिली के मतलब जो लिली का फ्लावर है उसके साथ भी करती हूँ, कोई भी जो अड़हुल भी है उसके साथ भी करती हूँ। तो इस तरीके से गुलाब, अड़हुल